अस्सलाम वालेकुम, मैं वहीद रियाज और आप देख रहे हैं माई ट्यूब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस एक छोटी सी अर्ज करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान किस क्राइसिस का सामना कर रहा है और पाकिस्तानी लोग किस तरह इस क्राइसिस का शिकार हुए हैं। हमारे हुक्मरानों को ज़रा बर्फ़ी करनी है कि मुल्क के अवाम किस हाल से गुज़र रहे हैं, वो किन हालात का सामना कर रहे हैं, वो कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं और किस तरह से वो अपने बिल्स वगैरह पे कर रहे हैं। कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें कराची की एक औरत रो कर अपना, शायद आपने भी देखी हो, कराची की रहायशी एक खातून रो रो कर अपना हाल बयान कर रही थी कि कैसे वो अपनी बेटी की दवाई, बिजली का बिल और एक्सेसरीज़ वगैरह तो किस तरह से वो हैंडल करती है। तो इस सारी सूरत हाल में वो तबका जो इस क्राइसिस का सबसे ज़्यादा शिकार हुआ वो मिडिल क्लास है, और स्पेशली वो लोग जो जॉब करते हैं या डेली वेजेस पे काम करते हैं। एक बात इनमें रखें, ये महंगाई, ये बहरान, ये अब कम नहीं होंगे और ना ही हमारे हुक्मरान हमारे लिए कुछ सोचेंगे। हमने खुद से वादा करना है कि हम खुद अपनी लाइफ चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले कमिटमेंट की ज़रूरत है, मुश्किल मिजाजी की ज़रूरत है, इसके अलावा डिटर्मिनेशन की। और टाइम कैसे निकालना है? जब आप एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेंगे सच्चे दिल से तो टाइम खुद ब खुद निकल आएगा। तो चेंज क्या लानी है कि हम अपने लिए काम करेंगे दूसरों के लिए नहीं। अपने लिए काम भी करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, कोई स्किल सीखेंगे, अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। मैं भी आपको बता रहा हूँ और यूट्यूब पे आपको हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको यही बात बताएंगे कि दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करना सीखो। जब अपने लिए काम करना सीखोगे तो इंशाल्लाह लाइफ विल बी चेंज, यू विल सी कि ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये नहीं कहता कि इस काम के लिए अपनी जॉब छोड़ दो, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस टाइम निकालना शुरू कर दो अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए। कभी आपने सोचा है आप दूसरों के लिए काम करते हैं, जान लगा कर मेहनत करते हैं, फिर भी हर वक्त ही डर रहता है उसे सेटिस्फाइड होंगे या नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ इज्जत से जीना है, कुछ अच्छा लाइफस्टाइल बसर करना है तो अपने लिए काम करना सीखो। और आखिर में एक बात, मैं खुद आप जैसा हूँ और मैं आज कमिटमेंट कर रहा हूँ और ये क्लिप बनाने का, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सबके सामने कमिटमेंट करूँ कि मैं आज से अपने लिए टाइम निकालूँगा और इंशाल्लाह आई विल वर्क फॉर माई सेल्फ। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक ज़रूर मेरी मदद फरमाएंगे। और मैं आपके लिए दुआ करूँ दूसरों के लिए काम करते हुए अपने लिए काम करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अल्लाह पाक हम सब का हमी नसर हो, मेरा भी और आपका भी, हम सब को अपने नेक मकासद में कामयाब फरमाए और हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी लाए। अल्लाह पाक हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती और इज़्ज़त अता फरमाए। अस्सलाम
اللہ حافظ.